हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि मैं कौन सा वाला मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वेट एंड वाइल्ड का एक सेटिंग्स पे यूज़ कर लिया है अपने पूरे फेस पे। फिर मैंने एक मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मैं सभी की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगी स्टेकवर्की की प्राइमर, और उससे मैं अपने टी जोन में फोकस करते हुए पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। मेरा टी जोन बहुत ही स्वेट करता है, इसलिए मैंने टी जोन पे फोकस किया है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन, और ये है 228 शेड नंबर। और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर लूँगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा एक ब्लेंडेबल लुक दिखे। ये वाला फाउंडेशन मुझे बहुत ही पसंद है और एक अफोर्डेबल प्राइस में भी है, इसीलिए भी मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का एक कंसीलर, और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं उसे प्लेस कर रही हूँ अपने आँखों के नीचे। जहाँ जहाँ मुझे डार्क स्पॉट लग रहा है वहाँ वहाँ भी प्लेस कर रही हूँ, जिससे मेरा डार्क स्पॉट हाइड हो जाए और बहुत ही अच्छी तरह से हाईलाइट हो जाए मेरा फेस। फिर उसे भी मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा लुक मिलता है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट जो है मैक का, मैक स्टूडियो फिक्स्ड कॉम्पैक्ट, और एक छोटू सा ब्रश लेके जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया है वहाँ वहाँ प्लेस कर रही हूँ, जिससे कि क्रीज ना हो। और फिर मैंने एक ब्रश की मदद से पूरे फेस पे उसे स्प्रेड कर लूँगी बहुत ही अच्छी तरह से। और नेक पे भी यूज़ करना ज़रूरी है, जिससे कि आपका लुक बहुत ही अच्छा दिखे। और फिर मैंने एक लूज पाउडर यूज़ किया है जो है लैक्मी का, और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने ये यूज़ किया है। मेरी चीक बोन को शार्प दिखाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है, क्योंकि ये वाला लुक पे बहुत ही सॉफ्ट सा लुक है पर बहुत ही गॉर्जियस लुक है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये वाला लुक। फिर मैंने आईब्रो भी कर लिया है। फिर मैंने रेवोल्यूशन का एक आई शेडो पैलेट लेके उसमें से पिंक और ब्राउन को मिक्स्ड करके अपने पूरे आईज़ पे स्प्रेड कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से, और ब्लेंड करना ज़रूरी है। ब्लेंडिंग से बहुत ही अच्छा लुक मिलता है। ये वाला जो मैंने क्रिएट किया है उसमें आईज़ उतना पता नहीं चल रहा है कि क्या किया है आईज़ के ऊपर। मैंने जितना समझ आया मुझे मैंने उतना ही को करने की कोशिश किया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। मैंने कोई लाइनर यूज़ नहीं किया है। एक ब्लैक आई शेडो लेके पेंसिल ब्रश की मदद से लाइनर की तरह मैंने यूज़ किया है उसको। मैंने काजल भी यूज़ किया है स्टेकवर्की का। मैं जो जो प्रोडक्ट यूज़ किया है उन सभी का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं जो काजल यूज़ किया है वो है स्टेकवर्की का, और वही पेंसिल ब्रश की मदद से उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से स्मज आउट कर दूँगी, जिससे कि बहुत ही नेचुरल सा लुक दिखे। मैंने आज लेंस भी वेयर किया है जो है ब्राउन शेड नंबर ब्राउन, और बहुत ही अच्छी तरह से स्मज आउट करना ज़रूरी है, इससे बहुत ही नेचुरल सा लुक दिखता है जो इस वाले लुक में है। बाय द वे, प्लीज़ मेरे हेयर स्टाइल को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सेट करने की कोशिश की है पर वो सेट नहीं हो रहा था इसीलिए। फिर मैं एक ब्रश की मदद से जो पाउडर था उसे डस्ट आउट कर दूँगी, और मेरा फेस हाईलाइट हो चुका है। फिर मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी एक ब्रश की मदद से।
बाय बोन का हाईलाइट करना ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा लुक देता है। फिर मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है, लेंथ देता है लैश पे, बहुत ही अच्छा वाला लुक भी देता है। डेली का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो मेरे दोनों आईज़ पे कर लिया है। फिर मैं कंटूर कर रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट कंटूर करूँगी। मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ जो है आई मैजिक का ब्लश पैलेट से, और मैंने पिंक शेड को, दो वाला पिंक शेड है उसमें से दोनों को मिक्स करके मैंने अप्लाई कर लिया है अपने पूरे फेस पे। स्माइल करते हुए अप्लाई करना ज़रूरी है ब्लश जब आप लोग लगाए। फिर मैक का हाइलाइटर लेके, और ये है सॉफ्ट एंड जेंटल, और बहुत ही हल्का आपको हाईलाइट करना है। और मैं नोज़ कंटूर करना भूल गई थी, सो मैं नोज़ कंटूर कर ले गई हूँ। फिर मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, और ये है वेट एंड वाइल्ड का। मैं एक पिंक लिपस्टिक लेके उसको थोड़ा अप्लाई करके लिप्स पे अपने फिंगर की मदद से उसे लिप्स पे स्प्रेड कर दूँगी, और एक न्यूट सा लिपस्टिक लेके बिल्कुल बीच में अप्लाई करूँगी। मैंने लैश लगा लिया है, और ये है PSC का, बहुत ही नेचुरल सा लश है। और यहाँ मैं थोड़ी सी नौटंकी कर रही थी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आप सबको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मुझे ये वाला लुक क्रिएट करने में बहुत ही मज़ा आया है। और बाय द वे, ये सिंदूर नहीं है, ये गुलाल है जिससे मैंने अपने बिंदी भी लगाया उससे, और सिंदूर भी लगाया। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साइड में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मेरे पास जो भी ज्वेलरी था मैंने उसे ही वेयर किया है। बाय द वे, मेरा फीचर्स और तृप्ति मैम का फीचर्स बहुत ही अलग है। मुझे ये वाला लुक अच्छा लगा, इसलिए मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मुझे ये वाला लुक क्रिएट करने में बहुत ही पसंद आया है। आप लोग ज़रूर बताना कि कमेंट करके कि ये वाला लुक कैसा लगा आप सबको। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबका कमेंट पढ़ के। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। बी सेफ और बाय बाय।